अलग यूनिवर्स है तरीके से। यहाँ पे हर चीज बहुत अच्छे से, जैसे हर चीज के शेड्यूल, हर तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हर तरीके से काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था कौन क्या है क्या कर रहा है, कोई भी कुछ भी बोल देता है। हम रोज एग्जाम्पल देते हैं, कोई भी कुछ भी आके बोल देता है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। इतनी डिसिप्लिन है, और सबसे ज्यादा कि एक परिवार है, एक बहुत विशाल रामलल्ला का परिवार है, जहां पे सब साथ मिलके। मुझे नहीं पता कि कब कांग्रेस में, मैं 7 साल तो मीडिया कोऑर्डिनेटर रही, कि कभी मीटिंग करके सारे प्रवक्ताओं को एक जगह बिठाया हो, बुलाया हो। यहाँ पे सब प्रवक्ता एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, इतना अच्छा एटमोसफेयर है जैसे एक परिवार का होता है। और जिस तरीके से सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सबकी जो जो जिम्मेदारियां हैं, सबकी जिम्मेदारियां, और बहुत डिसिप्लिन से। कांग्रेस पार्टी में ना डिसिप्लिन है, ना वो साथ मिलके चलते हैं, कोई लेफ्ट जाता है कोई राइट जाता है, सब आपस में एक दूसरे के लिए गड्ढा, वो होते हैं ना ट्रैप्स होते हैं, एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे खींचता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो मैंने सबसे अच्छी चीज देखी कि सब साथ, एक दूसरे को नहीं धके। राजनीति बाद सक्रिय रूप से देखिए, वो मालिक हैं पार्टी के, वही मालिक हैं, तो मालिक को क्या आना क्या जाना, जब मालिक वो है। और फैमिली ओन फैमिली रन कॉरपोरेशन है, आखिर में ये परिवार ही रह जाएगा, राहुल जी, प्रियंका जी, वड्रा जी, और तो कोई रह नहीं रहा। एक एक करके जिस तरीके से पार्टी से लोग छोड़ के जा रहे हैं, और ये बोलना कि मैं राजनीति में आना चाहता हूं, और मैं हमारे, वैसे भी आपने जो सवाल पूछा वो नेता है, अभी तक तो जब तक मैं लास्ट पार्टी में थी वो पार्टी के नेता नहीं थे, पर अब शायद हो गए हो। लेकिन जैसा हम लगातार देख पा रहे हैं कि फैमिली रन फैमिली ओन पार्टी है, तो राज्यसभा कौन सी बड़ी बात है? कार्यकर्ता जो 20 20 30 30 40 साल इस पार्टी को दे दिए, उनका क्या महत्व है? वो थोड़ी कुछ है। रॉबर्ट वड्रा जी आफ्टर ऑल दामाद है, तो दामाद जी को तो पूरी पार्टी दी जाएगी, लिख दी जाएगी कि उनको और उनके परिवार को सारी पार्टी जाएगी। तो मालिक है कुछ पार्टी में, तभी आपने देखा, सुनने में तो मुझे भी आया, गलियारों में यही चर्चा रही है कि आपस में बनती नहीं, एक गुट एक कहता है एक गुट। देखिए यही तो चीज है ना, पार्टी में ये चर्चा नहीं होती कि चुनाव की कैसे रणनीति बनेगी, पार्टी में ये चर्चा नहीं होती कि 5 न्याय को दुनिया तक कैसे लेकर जाए, पार्टी में यही चर्चाएं होती है कि भाई बहन में झगड़ा चल रहा है कैसे करे। और पार्टी में कुछ भी ये चर्चा नहीं होगी काम की बात की, परिवार में ही उलझे रह जाते हैं गांधी परिवार में। रॉबर्ट वाड्रा ये भी, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बना दे, नहीं पता क्या अंतर है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टियों में क्या अंतर है। कांग्रेस पार्टी किसी को भी राज्यसभा देने को तैयार हो जाती है। रॉबर्ट वड्रा जी जाएंगे, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है? उनका कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने जमीन का घोटाला किया, इतने बड़े बड़े जीजा जी पे आरोप है, और वो अगर राज्यसभा लेने जा रहे हैं। हमने ये भी देख लिया था किस तरीके से रॉबर्ट वड्रा जी ने अपने आप को कैंडिडेट डिक्लेयर कर लिया था, मैं अमेठी से लड़ूंगा। अब क्या आपस में घर में विवाद हुआ कि नहीं मिला, पर राज्यसभा पे जब बात तय हो गई है, इसका मतलब सेटलमेंट राज्यसभा की हो गई। तो ये तो कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि वो किस किस को अपनी पार्टी में ले लेते हैं, इतने बड़े बड़े स्कैम कर रखे, जमीन घोटाले, घोटालेबाजों की पार्टी, परिवारवाद वाली पार्टी, इनको परिवार मोह छूटता ही नहीं है। कार्यकर्ता को भी तो थोड़ा कुछ मान सम्मान दे, वैसे ही कुछ तो सीटें रह गई हैं, वो भी कार्यकर्ता से हक छीन के सब गांधी परिवार ने अपने पास रखे। तो जो ये बात है परिवारवाद, इससे बड़ा परिवारवाद का एग्जाम्पल जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी की पार्टी होती थी, बी आर अम्बेडकर जी की पार्टी होती थी, आज वो राम विरोधी पार्टी रह गई है। और वो सिर्फ रॉबर्ट वड्रा जी और इनके आपस के स्टेटस बढ़ाने की पार्टी रह। ऐश्वर्या राय जी मिस वर्ल्ड रही हैं, दक्षिण भारत से, क्या वो अफ्रीकी लगती हैं? सुष्मिता सेन जी ईस्ट इंडिया से आती हैं, कलकत्ता की तरफ मिस यूनिवर्स रही, क्या वो चीनी लगती हैं? बहुत शर्म की बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आज तक देश को देशद्रोही चश्मे से देखती है। उनको देशवासी नहीं दिखाई दिए, क्योंकि देशद्रोह का चश्मा जो कांग्रेस पार्टी का हर नेता पहनता है, उनको चीनी दिखाई दिए।
अरबी दिखाई दिए, उनको अंग्रेज दिखाई दिए, उनको अफ्रीकी दिखाई दिए, लेकिन देशवासियों में देशवासी नहीं दिखाई दिए। ये वही आदमी है जिसने आके सबको बताया था इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में, लेकिन तब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये साफ है कि ये लगातार कांग्रेस पार्टी की जो सोच और विचार है वो देश के सामने लेकर आते हैं। इसका मतलब अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो इनहेरिटेंस टैक्स लागू होगा, अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो किस तरीके से देश के लोगों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। और देखिए ना, उनको पार्टी से अभी तक नहीं निकाला गया है, उन्होंने इस्तीफा दिया वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ये रूल तोड़ दिया कि घर की बात बाहर आ गई, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी उनके विचारों से अग्री नहीं करती तो उन आदमी को हुआ सो हुआ वाले को पार्टी से निकाल दिया।